तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। इलाज में कोताही के चलते मरीज की मौत का आरोप लगाते हुए रिश्तेदारों ने मानकापुर के कुनाल अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। मृतक श्री कृष्ण धाम बस्ती निवासी राहुल बलराम इवनाते 28 वर्ष बताया गया। राहुल को छाती में दर्द के चलते उसे कुनाल अस्पताल ले जाया गया। यह चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे मृतक के परिजन शॉक्ड रह गए। राहुल की ECG रिपोर्ट मांगी। जो रिपोर्ट उन्होंने दी गई वह किसी दूसरी महिला की थी। परिजनों के शक होने पर दोबारा ECG कराने को कहा तो रिपोर्ट नाम बदल कर दे दी गई। दोबारा की गई ECG में राहुल के जीवित होने का पता चला तो तुरंत उसे मेयो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां डॉक्टर ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कोनाल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, साथ ही तोड़फोड़ भी की। मानकापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आज राहुल इवनाते को श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर काफी भीड़ दिखाई दी, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे ने भी आकर श्रद्धांजलि दी।